शहर में आवारा पशुओं का आतंक, नगर परिषद के अधिकारियों की चुप्पी और लापरवाही जनता की पीड़ा को और बढ़ा रहा है। आवारा पशुओं ने ना शहर की कोई गली छोड़ी ना चौराहा, और तो और पार्क, स्टेडियम और अस्पतालों में भी आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद नगर परिषद के आला अधिकारियों ने बेशर्मी का घूंघट निकाल रखा है और भुगत रही है शहर की जनता। आश्चर्य तो इस बात का है कि जिला प्रशासन भी इन बदहाल स्थितियों की जानकारी के बावजूद भी मौन धारण किए हुए है। शहर का नगर परिषद बोर्ड आवारा पशुओं के मामले में इतना बेसहारा नजर आ रहा है कि अब जिम्मेदार लोग इस जिम्मेदारी से भागने में लगे हुए हैं। डीसीएन लाइव द्वारा जिम्मेदारों की आंख खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा शहर में आवारा पशुओं का आतंक है। शहर में ऐसी कोई भी गली नहीं बची जहां पर आवारा पशुओं की धमा चौकड़ी नजर नहीं आती हो। गली मोहल्लों से लेकर प्रमुख चौराहों पर आवारा पशुओं की भरमार रहती है। आए दिन आवारा पशुओं की जोर आजमाइश चलती रहती है, जिसके चलते अब तक कई लोग चोटिल हो चुके हैं। आमजन की ढेरों शिकायतों के बावजूद जिम्मेदारों द्वारा इस समस्या को हल नहीं करने के कारण अब आवारा पशुओं से आमजन इतना परेशान हो चुका है कि उसके पास सिवाय जिम्मेदारों को कोसने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आमजन की पीड़ा का किसी को अंदाजा तक नहीं है। जिम्मेदार इस समस्या पर भागते बचते नजर आ रहे हैं। आवारा पशुओं से तो बहुत ज़्यादा समस्या है। स्कूल बच्चे जाते हैं तो उनके आगे आ जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, बच्चों का नुकसान होता है, आने जाने वाले राहगीरों को भी परेशानी होती है। इसलिए आवारा पशुओं पर बैन लगाया जाए, इनके लिए नगर परिषद द्वारा व्यवस्था की जाए। पशु जैसे कृषि मंडी के आगे हुआ, इनके लिए एक स्थान बन करके और गौशाला खोली जाए। नगर परिषद हमेशा पेमेंट तो उठाती रहती है गऊ के नाम से, तो उनकी व्यवस्था कर दे तो किसी आम जनता को परेशानी नहीं होगी। भाई हमारी रोड के ऊपर ही दुकान है, मगर रोड के ऊपर इतने जानवर घूमते हैं कि ये सब मतलब क्या है कि सारा दिन लड़ाइयाँ लड़नी और वो एक एक को मारना और किसी को मतलब गिरा देना और किसी की बाइक को तोड़ देना और किसी को मतलब कैसे यूँ करके सारा दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं ये जानवर। एक दो बार तो क्या क्या वो काजी हाउस में भेज रहे हैं, अब क्या मालूम काजी हाउस में भेजे हैं कि नहीं भेजे। हमारे को तो ये रोड खाली नजर आई नहीं पशुओं के। पांच स्कूल हैं आज की बात की मतलब क्या है कि मगर वो सब बच्चे आते रहते हैं, और बच्चे आते हैं तो भी वो की वो बात है नहीं, उसमें कोई है ही नहीं, वो कोई कुछ नहीं। अरे दो तीन साल पहले इन्होंने वहाँ भेजे थे वो लीचा है गाय, तो भी यहाँ तो वो सांड और गाय तो कम हुई। पशु की बहुत ही समस्या है यहाँ इंदिरा कॉलोनी जो पुलिस लाइन से लेकर के नवले की चक्की तक है, या मेन रोड से लेकर के हर गली में आवारा सांड और आवारा गाय खड़ी रहती है। कई बार स्कूली बच्चों के साथ में भी घटनाएं हुई है, कई सार बुजुर्ग भी गिरे हैं, और वो आवारा पशु इतने हैं कि रात चलते किसी के पीछे आकर के वो धक्का मार देते हैं, और कई इंजर्ड हुए और हॉस्पिटल में एडमिट हुए। नगर परिषद आवारा पशुओं के मामले में इतना नाकारा हो चुका है कि जिम्मेदारों के पास इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। उसकी एक झलक पार्षद और शहर के नंबर दो पर बैठे प्रीतम दास जिनगर के इस बयान से समझ आ सकता है। शहर की नगर परिषद में उपसभापति प्रीतम दास जिनगर ने आवारा पशुओं की समस्या पर हाथ खड़े करते हुए कहा कि नगर परिषद के पास ना तो बजट है और ना ही कोई एक्शन प्लान जो इस समस्या का कोई समाधान निकाल सके। ये जो समस्या है पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रही है, इस संबंध में जिला कलेक्टर से इस तरह की बात करनी थी कि आवारा पशुओं को अगर हम वहाँ जाकर काजी हाउस में रखते हैं तो उनको चारा कौन देगा, सबसे बड़ी समस्या यही है। और जो फंड आता है गवर्नमेंट से वो सीधा जो है गौशालाओं को वितरण कलेक्टर द्वारा किया जाता है। हमारी बोर्ड ने निर्णय लिया था कि किसी भी तरह से इस फंड को जहाँ भी दिया जाता है वहाँ ये पशु लेवे और हम उनको पशु देवें, ये व्यवस्था आज तक नहीं बैठी है। यही कारण है कि पशुओं को ले जाके हम डाल तो देंगे लेकिन खिलाएंगे क्या, ये समस्या जो है इस पर प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। अब बोर्ड की मीटिंग में ये तय किया गया था और ये बताया भी गया था, MLA के द्वारा भी बताया गया था कि इसके अंदर जो कैन एनर्जी और अन्य जो एजेंसियाँ हैं ये सहयोग करेगी और यहाँ पर इनको गायों को एकत्रित करके इनके खाने की व्यवस्था होगी। इसके लिए प्रयास हमारे MLA साहब और हमारा बोर्ड कर रहा है, कोशिश चल रही है। शहर में इस समस्या को लेकर किसी भी प्रकार का किसी के पास कोई समाधान नहीं है। जिनके भरोसे ये समस्या का समाधान होना है वे लोग हाथ खड़े कर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसे में आवारा पशु शहर में मदमस्त हैं और जिम्मेदार लापरवाह। जिम्मेदारों की बेपरवाही के चलते शहर में आमजन का सिर्फ और सिर्फ अब भगवान ही मालिक है।